साउथ मूवी इंडस्ट्री में एक जानी माने चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाने के साथ साथ बॉलीवुड में एक खास चेहरा बन चुकी एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा आज किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। साउथ मूवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक का कीर्ति का बहुत उतार चढ़ावों से भरा करियर रहा है। किन किन चुनौतियों का कीर्ति ने सामना करा, कैसे वह आज जहां है वहां तक पहुंच सकी, कीर्ति की लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कीर्ति का जन्म वैसे तो दिल्ली में हुआ 29 अक्टूबर 1990 को, लेकिन थोड़े समय तक ही दिल्ली में रहने के बाद वह अपनी पूरी फैमिली के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई, जिसके बाद अपनी स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन कीर्ति ने बेंगलोर में ही रहकर करी। कीर्ति ने अपनी स्कूलिंग बेडविन गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी करी है एंड ग्रेजुएशन श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज से। साथ ही वह डिप्लोमा होल्डर भी है ज्वेलरी डिजाइनिंग में। कीर्ति ने अपने स्कूल एंड कॉलेज के दौरान ही काफी टीवी कमर्शियल्स एंड मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे काफी टीवी कमर्शियल्स कीर्ति की लाइफ के रहे जो बहुत बड़े ब्रांड्स के लिए थे, जिसमें से कुछ रहे भीमा ज्वेलर्स, स्पार एंड फेयर एंड लवली। एक्ट्रेस बनने के बारे में तो कीर्ति ने कभी सोचा भी नहीं था, ये तो सिर्फ उनके लिए लक बाय चांस ही रहा, बल्कि वह तो खुद ये मानती हैं, अगर वह मूवीज में नहीं आई होती तो अब तक शादी करके अपनी लाइफ में सेट हो चुकी होती। अपने इन्हीं टीवी कमर्शियल्स के दौरान उनका फेस बिलबोर्ड्स पर भी इस्तेमाल होता आया था। इन्हीं बिलबोर्ड्स पर एनआरआई डायरेक्टर राज पिपाला की नजर पड़ी, जो अपनी आने वाली मूवी के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे, जिनकी नजर आकर रुकी कीर्ति के बिलबोर्ड एड पर, जिसके बाद शुरुआत हुई थी कीर्ति के फिल्मी करियर की, जिसमें वह पहली बार नजर आई थी तेलुगु मूवी बोनी में अपोजिट तेलुगु एक्टर सुमंता कुमार के। मूवी फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन कीर्ति को काफी प्रशंसा मिली, काफी ऑनलाइन ब्लॉग्स में कीर्ति की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया, जिसके बाद कीर्ति नजर आई थी मूवी चिरू में साल 2010 में, जो कि उनका कन्नड़ मूवी इंडस्ट्री में डेब्यू रहा था। मूवी हिट साबित रही, जिसके बाद उन्हें कन्नड़ इंडस्ट्री में कुछ हद तक रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया था। कन्नड़ मूवी चिरू के बाद वह नजर आई एक कैमियो रोल में 2011 में तेलुगु मूवी अला मॉडल इंडी में, जिसके बाद वह हिस्सा रही 2011 में ही आई तेलुगु मूवी तीन मार में, जिसके बाद वह अगले साल 2012 में नजर आई मूवी मिस्टर नुकाया में एक्टर मनोज मांचू के साथ एंड कन्नड़ मूवी प्रेम अड्डा में। 2013 में कीर्ति की कन्नड़ एंड तेलुगु में दो दो मूवीज आई, ओंगोले गीता एंड ओम 3D। ओम 3D थी तेलुगु सिनेमा की पहली 3D एक्शन मूवी। कीर्ति की दोनों ही तेलुगु मूवीज फ्लॉप साबित हुई, लेकिन 2013 में ही रिलीज हुई कन्नड़ मूवी गुगली कीर्ति के लिए एक ऐसी साबित हुई जिसके बाद उनकी कन्नड़ इंडस्ट्री में एक पहचान बन सकी। उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया, मूवी ने 15 करोड़ का कलेक्शन करा, जो 2013 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में साबित हुई, जिसके कारण वह 2013 में बेंगलुरु टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन के तौर पर चुनी गई। गुगली मूवी के बाद कीर्ति की गिनती कन्नड़ मूवी इंडस्ट्री की सबसे सफल एक्ट्रेस में होने लग गई थी, जिसके बाद 2014 में वैद की सुपर रंगा मूवी में साथ ही हिस्सा रही कन्नड़ मूवी तिरुपति एक्सप्रेस का। कीर्ति की एक्टिंग दोनों ही मूवीज में काफी पसंद की गई, बल्कि अपनी सुपर रंगा मूवी एक्टिंग के कारण वह क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजी गई थी 4th साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स के दौरान, एंड साथ ही वह पहली बार नॉमिनेट हुई अपने पहले फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। जिसके बाद ऐसी और भी कन्नड़ मूवीज रही जिसका कीर्ति हिस्सा रही, जैसे मिन चागी नी बरालू, संजू वेड्स गीता 2। कीर्ति ने 2015 में आई तेलुगु मूवी ब्रूसली द फाइटर में एक बहुत बड़े रोल निभाया, जिसमें वह तेलुगु सिनेमा के सबसे जाने माने चेहरे रामचरण के साथ नजर आई स्क्रीन शेयर करती। मूवी के कारण वह दो बार नॉमिनेट की जा चुकी है फिल्मफेयर अवार्ड फॉर
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तेलुगु एंड साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। कीर्ति ने अपना बॉलीवुड डेब्यू करा 2016 में आई मूवी राज रिबूट से, जिसमें वह एज अ लीड के तौर पर नजर आई अपने को एक्ट्रेस इमरान हाशमी के साथ। जिसके बाद 2017 में कीर्ति ने अपना डेब्यू करा तमिल इंडस्ट्री में मूवी ब्रूसली से। 2017 में वह दो हिंदी मूवीज में भी रही, गेस्ट इन लंदन एंड शादी में जरूर आना। वहीं वह फिर हिस्सा बनी 2018 में आई कन्नड़ मूवी दलापति की, साथ ही कैमियो सीन में नजर आई 2018 में ही आई हिंदी मूवी कारवा में। 2018 में आई मूवी वीरे की वेडिंग यमला पगला दीवाना फिर से का हिस्सा बनने के बाद हाउसफुल 4, पागलपंती, तैश, 14 फेरे ऐसी मूवीज बनी जिसमें कीर्ति अपनी एक्टिंग साबित कर चुकी हैं कि वह किसी से भी कम नहीं है। कीर्ति आज जिस भी मुकाम पर है सिर्फ अपने दम पर। आज कीर्ति को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये थी हमारी छोटी सी पेशकश, कैसी जर्नी रही थी कीर्ति की बिलबोर्ड से लेकर बॉलीवुड तक। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा।